फ्लैशबैक में मैं आज आपको लेकर चलूंगा आज से लगभग 20 साल पहले, जब 30 अप्रैल 1999 को रिलीज हुई थी जॉन मैथ्यू मथाइन की फिल्म सरफरोश। आमिर खान और सोनाली बेंद्रे की प्रमुख भूमिकाओं में से सजी ये फिल्म, जिसने उस समय इतिहास रच दिया था। एक बेहद ही संवेदनशील विषय पर यह फिल्म बनी थी, जिसमें पाकिस्तान के एक गजल गायक को विलन के रूप में दिखाया गया था। आज सरफरोश पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फिल्म के निर्देशक जॉन मैथ्यू मथाइन सर। सर, आपका स्वागत अभिनंदन है फ्लैशबैक में। सर, मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि सरफरोश को बनाने का आइडिया आपको कैसे आया? ऐसा हुआ, मैं 1980 से मैं एडवर्टाइजिंग फिल्में बनाना शुरू किया। बहुत ही मेरा, मैं तब 22-23 साल का ही था और एडवर्टाइजिंग फिल्मों में पैसे अच्छे मिलते थे और मैंने कई फिल्में बनाई, करीब 400 से ऊपर एडवर्टाइजिंग फिल्में बनाई। तो उस वक्त मेरा कई बार दिल्ली और बड़े शहरों में जाना ज़रूरी था क्लाइंट्स को मिलने, और 1983-84 में मैं दिल्ली गया और मैंने जो देखा वहाँ पे, जो सैंड बैग्स लगे हुए थे और मशीन गन के पीछे अपने पुलिस वाले खड़े थे, तो मैं कभी सोच नहीं पाया, ना कोई खबर आई वैसे बम्बई के हम अखबारों में कि ये स्थिति है, क्योंकि खालिस्तान मूवमेंट चल रहा था और दिल्ली आतंक में से घिरा हुआ था। और वहाँ पे मैं एक दिन पहले पहुँच जाता था शाम को, क्योंकि उस वक्त फ्लाइट सुबह के कभी टाइम पे स्टार्ट नहीं होते थे, तो मैं शाम को गया 6-6:30 बजे और मैंने देखा कि रास्ते जो है सुनसान है, कोई नहीं है। मैं सोचने लगा ये हमारा मतलब कैपिटल है, ये दिल्ली है और दिल्ली में लोग नहीं है सड़कों पे, ये क्या है? और फिर मैंने देखा ये जो सिक्योरिटी लगी हुई है, अब मुझे बड़ा अजीब लगा। ये बोले लोग ऐसे जीते हैं, इतना डर है, और इस बात को हम बम्बे में रहते हुए हमें कोई पता नहीं। और मुझे रोका गया और मेरे पास एक हैंडबैग था, तो सिक्योरिटी वाले पुलिस वाले ने कहा खोल के बताओ। तो मैं पहली बार रास्ते पे मैंने बैग खोल के दिखाया उनको, वो ठीक हुए। मैं वहाँ से निकला और मैंने कहा ये बात दुनिया को बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर खालिस्तान का जो टेरर मूवमेंट इतना इसका मतलब इम्पैक्ट है, तो ये दुनिया को जानना बहुत ज़रूरी है। और वो थी शुरुआत सरफरोश की कहानी की, कि इस पर, इस विषय पर मुझे फिल्म बनानी है, क्योंकि मुझे डायरेक्टली छुआ और मैं उस दिन ठीक से सो नहीं पाया रात को, और वो बात मेरे दिल में रह गई। मैंने कहा ये एड फिल्म वगैरह ठीक है, लेकिन मुझे इस मामले में ये प्रॉक्सी वॉर जो चल रही है, इस पर एक फिल्म बनानी है। तो खालिस्तान के बाद कश्मीर की प्रॉब्लम शुरू हुई और मैंने कहा ये इसमें कश्मीर को नहीं जोड़ते, क्योंकि पाकिस्तान का एक ही उद्देश्य है, वो ये है कि यहाँ के मुसलमानों को भड़काओ हिंदुओं के खिलाफ, और यहाँ इनको बताओ कि ये जो है मुसलमान, हम कितने करीब हैं उनके और पाकिस्तान कितनी बड़ी बात है। तो मैंने कहा ये बात को हमें इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी है, बताना होगा कि ये सही नहीं है, उनका सोच ही गलत है। और इसलिए मैंने वो फिल्म बनाई, उसका जो बेसिक थॉट वही था। थॉट को कैसे डेवलप आपने किया और कितना समय इसमें लगा, और फिल्म की कास्टिंग आपने कैसे की? क्योंकि फिल्म की कास्टिंग बड़ी रोचक है, आमिर खान है, सोनाली बेंद्रे हैं, मुकेश ऋषि हैं, और कुछ किरदार तो ऐसे हैं जो छोटी छोटी भूमिकाओं में लेकिन हमेशा याद रह जाते हैं। अब थॉट तो मेरे पास उस वक्त आ गया, लेकिन क्या करना है, क्या कैसे कहानी बननी चाहिए, ये सारी चीज़ें उस वक्त क्लियर नहीं था। तो मैंने कहा किसी भी चीज़ के ऊपर फिल्म बनाने से पहले उसके बारे में जानकारी ले लेना, हासिल करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं एक दिन एडवर्टाइजिंग फिल्में छोड़ दी और मैंने कहा अब मुझे इस पर रिसर्च करनी, और मैं निकला बम्बई से मेरे राइटर के साथ, डायलॉग राइटर थे हृदय लानी, उनके साथ मैं निकल गया। मैं दिल्ली गया और वहाँ पर मैंने पता किया कि ये जो खालिस्तान मूवमेंट है इसमें कौन लोग इन्वॉल्व है, कैसे है, और बहुत से पुलिस इंस्पेक्टरों को और वहाँ के जो स्थिति को मैं समझने की कोशिश की। वहाँ
उसके बाद मैं राजस्थान गया, बॉर्डर पे रहा, और ये सारी बातें इकट्ठा किया जो इसके पीछे लगे हुए हैं, और फिर मैं वापस आया, और फिर मुझे वक्त नहीं लगा लिखने में बेसिक कहानी, और फिर उसको डेवलप करने में 6 महीने लगे। वो उस बीच में मैं कास्टिंग का भी सोचने लगा, और इसमें आमिर का बहुत बड़ा हाथ था कि मैं आमिर के पास गया, उसने हाँ कर दी, और मैं मुझे लगा उस वक्त कि मुझे बहुत से बड़े कास्ट लेने होंगे, तो उसने कहा कि देख जॉन, तुम उन्हीं लोगों को लो जो तुम्हें सूट होता है फिल्म के कैरेक्टर के हिसाब से। ये बड़े बड़े हस्तियों का नाम लोगे, उस वक्त एक फिल्म बन रही थी और कई डेट्स के प्रॉब्लम उन्हें हो रहे थे क्योंकि उसमें बहुत से बड़े कलाकार थे। तो उसने कहा ये सब छोड़ो, आपके पास कहानी अच्छी है तो आप अपने हिसाब से एक्टर्स को लो। तो मुझे आज़ादी मिल गई कि मैं जिस एक्टर को सही समझता था उस पात्र के लिए उसी को लिया, उस कैरेक्टर के हिसाब से मैंने कास्टिंग की। और उस वक्त कास्टिंग डायरेक्टर्स वगैरह नहीं थे, एक फटका कैरेक्टर है वो, मैं भाईदास हॉल के पास घूम रहा था, इस लड़के को देखा खड़े, मैंने कहा ये फटके का रोल कर सकता है। मैं जानता था कि वो एक्टर है उसके बात करने के तरीके से, तो मैं उसके पास गया, मैंने कहा एक रोल है फिल्म में, तुम करोगे? उसने हाँ कहा। मैंने टेस्ट नहीं किया, मैं जानता था वो डिलीवर करेगा, और उसने किया। तो कास्टिंग में भी मज़ा आता है, लेकिन वो जानकारी कि कौन क्या कर सकता है, वो एक डायरेक्टर के जहन में है वो बात, वो बता सकता है। तो मैंने कभी कास्टिंग डायरेक्टर्स को लिया नहीं, ना ही जब मैं ऐड फिल्म में बनाता था, कास्टिंग हम ही करते थे तो हमें आदत थी उस बात की। लेकिन कास्टिंग उसी प्रकार हुआ, और सारे लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया। मैं एक फिल्म की कामयाबी के पीछे इतना ये था कि जितने एक्टर्स थे मेरे, सारी बातें सुनते थे, और किसी ने कभी झगड़ा नहीं की मुझसे, कभी किसी ने तर्क नहीं की, जो मैं कहता था वो करते थे, और वो फिल्म में नज़र आता है क्योंकि वो विश्वास रखते थे कि मैं जो कर रहा हूँ। वो विश्वास कहाँ से आया मैं आज तक समझ नहीं पाया, क्योंकि उस वक्त मैं बहुत ही जवान था, और ये काफ़ी लोग मुझसे बड़े थे उम्र में, लेकिन सारे लोगों ने मेरी बात सुनी, और पूरा कास्ट जो है वो एक तरफ से मेरे साथ इसलिए दिया क्योंकि आमिर मुझे वो रिस्पेक्ट देता था। तो वो लोग तो जब देखते थे कि स्टार इनका इज्जत करते हैं, तो वो भी शायद उस वजह से सब करने लगे जो उनको कहा जाता था करते थे, और मज़ा आता था। तो शूट करने में मुझे बड़ा मज़ा आता था, दिक्कतें और थी डेट्स की और वगैरह, लेकिन फिल्म बनते वक्त हमें बहुत मज़ा आया पूरे यूनिट को। और उस फिल्म की कामयाबी के पीछे वही है, क्योंकि किसी को लगता नहीं है कि कोई बनी बने ये चीज़ है, वो नेचुरल लगता है, और वो काम निकालना बहुत ज़रूरी है कि हर एक्टर जो है ये महसूस करता है कि वो जो कर रहा है वो ऑटोमेटिकली आ रहा है, उसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, वो नेचुरली कर रहा है, वैसा परफॉर्मेंस निकालना एक फिल्म की कामयाबी। सरफरोश एक बहुत गंभीर फिल्म थी, लेकिन इस फिल्म की सफलता में इसके म्यूजिक का भी बहुत बड़ा योगदान था। आपने एक गंभीर विषय में, एक थ्रिलर में किस तरीके से म्यूजिक को ब्लेंड करा, किस तरीके से आपने इसके गानों को कंसीव करा, सोचा, रिकॉर्ड किया और पिक्चराइज किया? आपने बहुत सही बात की, क्योंकि सरफरोश एक थ्रिलर फिल्म है, थ्रिलर फिल्म में गाने डालना बड़ा मुश्किल काम है, वो एक्चुअली इम्पॉसिबल है। तो मुझे मेरे पास चॉइस नहीं थी, मुझे कहा गया कि 6 गाने तो चाहिए, क्योंकि कैसेट बनती थी उस वक्त जिसमें 3 गाने एक तरफ और 3 गाने दूसरी तरफ होनी थे, तो 6 गाने तो मुझे डालने ही थे। तो मैंने कहा अब ये 6 गाने कैसे डालेंगे, उसमें टाइटल गाना तो तय हो चुका था कि चलो यहाँ एक कव्वाली डाल देंगे जिसमें एक तरीके से कहानी बता देंगे हम, दूसरा गज़ल का तय हो गया था, तीसरा एक बार सॉन्ग जो था वो रिक्वायरमेंट थी वो डाल दिया। और पेसिंग अगर आप देखेंगे 3 घंटे के फिल्म में करीब 30 मिनट 40 मिनट पे गाना आ जाता है, तो वो जो एक एक सेमी क्लाइमैक्स होता है इस गाने से पहले, फिर गाने आ जाता है, फिर लोग बैठ जाते हैं, और हिंदी फिल्मों में लोगों को आदत है गानों की, और मैं बचपन से जो मतलब 12-14 साल की उम्र से फिल्में देखना शुरू किया हिंदी फिल्में, और मुझे गानों का एक्सेप्टेंस है, और मैं गाने बहुत पसंद करता हूँ, मुझे पुराने गाने खासतौर पर बहुत ही पसंद है, मैं वही सुनता हूँ। तो मैं गानों को चाहता था, अभी इसमें सारे गाने आ गए, सिर्फ 2 रोमांटिक गाने थे, मैंने कहा इनको, इस दोनों गानों को मैं ख्वाब में रखूँगा। और आज मैं ये बता रहा हूँ जो किसी को नहीं बताया, आप जब ख्वाब देखते हैं उसमें कलर नहीं होती, वो ख्वाब जो है ब्लैक एंड वाइट में होता है, लेकिन मेरी फिल्म कलर थी, इसलिए मैंने ये तय किया कि दोनों को, हीरो और हीरोइन को एक ही कलर के कपड़े पहनाऊँगा। तो एक सीक्वेंस अगर मैं, अगर सोनाली ने लाल साड़ी पहनी है तो उसमें आमिर खान ने भी लाल शर्ट पहना है,
तो वो लिबर्टी मैंने ली और वो पहली बार थी कि किसी फिल्म में मैंने देखी नहीं पहले और वो किसी फिल्म की कॉपी नहीं है, वो पहली बार फिल्मों में आई और उसके बाद कई लोगों ने की उसको, लेकिन वो थी उस इसके पीछे। और मैंने दोनों फिल्में ख्वाब में रखा क्योंकि एक पुलिस ऑफिसर को दिखाना कि वो आम हीरो की तरह गाना गाता है बड़ा अजीब लगा मुझे और मैं नहीं करना चाहता, लेकिन मैंने कहा ये सोनाली बेंद्रे का अगर ख्वाब है तो क्यों नहीं, तो इसलिए मैंने रखा और चेक 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 गाने फिट हो गए और क्लाइमैक्स में मैंने ये गाना रख दिया जो मतलब राजस्थान में हो रहा है और उसके ज़रिए भी क्लाइमैक्स शुरू हो जाता है गाने के दरमियान, इसमें पूरे क्लाइमैक्स के सीक्वेंस को उसके अंदर डाल दिया और गाने के अंत में क्लाइमैक्स शुरू हो जाता, तो इस तरीके से जोड़ा, नहीं तो गानों को डालना थ्रिलर फिल्म में बहुत ही मुश्किल काम है। फिल्म हालांकि क्योंकि एक बड़े सेंसिटिव इशू पर थी और हमारे यहाँ पर यह देखा गया कि हिंदू और मुसलमानों से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर बहुत ही जिसे कहते हैं कि सिनेमा के क्षेत्र में बहुत ही संवेदनशीलता का परिचय दिया जाता है। आपने इस फिल्म के विलन के रूप में एक पाकिस्तानी गजल सिंगर को विलन का आपने किरदार बनाया, उस कैरेक्टर को आपने ऐसे बुना। हालांकि भारत में पाकिस्तानी गजल सिंगर्स की बहुत बड़ी लोकप्रियता है, गुलाम अली साहब, मेहंदी हसन साहब, उसके बाद सूफी सिंगिंग की अगर हम बात करें राहत फतेह अली खान साहब, ऐसे तमाम बड़े सिंगर हुए हैं जिन्होंने भारत की जनता के दिलों पर भी उतना ही राज किया है जितना उन्होंने पाकिस्तान में राज किया है। आप डर नहीं लगा कि गजल सिंगर को अगर आप खलनायक बनाएंगे तो शायद जनता इसको स्वीकार ना करे, एक्सेप्ट ना करे? नहीं, मुझे डर बिल्कुल नहीं था क्योंकि देखो ऐसा है कि आप देखेंगे तो दुनिया के बड़े बड़े विलन जैसे हिटलर, वो भी कलाकार थे, बिगड़े हुए कलाकार जरूर थे लेकिन वो भी कलाकार थे, अपने आप को कलाकार समझते थे, तो मुझे उसका कोई ये नहीं था। मुझे इतना था कि एक इंसान क्या होता है, कलाकारों में कलाकार सेंसिटिव होता है, उस आपको जो धक्का पहुँचे उससे 10 गुना ज़्यादा उसको लगता है। तो ये जो मैंने कहा अभी, मेरे पास वैसे और ऑप्शंस भी नहीं थे कि पाकिस्तान से हिंदुस्तान कौन मतलब आ सकता है, किसको आज़ादी है, उसमें क्रिकेटर्स है वो आते हैं बस, जितना दिन क्रिकेट के गेम चले और चले गए और उनमें उतना पॉलिटिकल और इंटेलेक्चुअल ये नहीं है कि पॉलिटिक्स के बारे में कुछ करे, वो उनका फील्ड ही नहीं, तो एक बार वो हट गए तो दूसरा कौन है, कौन है? सिर्फ शायर आते हैं और सिर्फ गज़ल गाने वाले, और कोई आता नहीं है उस वक्त, कलाकार आर्टिस्ट फिल्मों के आर्टिस्ट भी नहीं आते थे। तो मैंने कहा मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, सिर्फ एक गज़ल सिंगर को रख सकता हूँ, तो मैंने रखा और उसमें कोई मेरे पास और कोई मतलब ऑप्शंस नहीं थे, कोई अल्टरनेटिव नहीं था, लेकिन मैंने ये ज़रूर रखा कि भले उसके दिमाग में एक ये है खौफ है और एक ये है कि वो ये उसका देश है, अब वो नहीं रहा, तो वो हर कोई जो चले जाता है हिंदुस्तान से कुछ खो के, ज़मीन या कुछ भी हो, तो उसके पास उसको वो ये रहता ही है, तो वो उसने झाकी किया उस फिल्म को। और मैंने ये बताया कि पाकिस्तानी जो है उसका फ़ायदा उठाते, उनको मालूम है कि ये बंदा जो है रूठा हुआ है हिंदुस्तान से तो इसका फ़ायदा उठाओ, और वो मैंने बताया कि विलन एक्चुअली जो है जो वहाँ की आर्मी है, और सच में जो है आज के दिन भी है उन सिर्फ हम दोनों लोगों के बीच में एक ही मतलब बाधा है जो हर बार ये रिश्ते को तोड़ती है, वो है पाकिस्तान की आर्मी। जिस दिन उनके आर्मी इतना पावरफुल नहीं रहेगा, दोनों देशों में अच्छे संबंध होंगे और ये झगड़ा और ये जंग सब खत्म हो जाएगा, सिर्फ उस आर्मी को वहाँ से निकल जाए और सही डेमोक्रेसी आ जाए तो बहुत अच्छी बात रहेगी दोनों मुल्कों के लिए। हालांकि फिल्म काफी बेहतर बनी थी और एक निर्देशक को पता होता है उसने जो क्रिएट किया है वो कैसा है, और वो जब पहले देखता है तो उसको लगता है कि क्या उसको जनता स्वीकार करेगी या नहीं करेगी, इस फिल्म को स्वीकार करेगी या नहीं करेगी, इसको लेकर आपके मन में कोई टेंशन थी? आपको कभी डर लगा कि ये विषय इतना गंभीर है, इसको हो सकता है जनता स्वीकार ना करे? मैं सच कहूँ कि मार्केट का जो इम्पैक्ट होगा, मार्केट पर क्या असर होगा, लोग इसको कैसे स्वीकार करेंगे, ये सब सवालों पर मैंने ध्यान नहीं दी। मैं इसलिए ध्यान नहीं दी क्योंकि वो इतने गहरे सवाल है कि मेरे पास उसके उत्तर नहीं है, उसके आंसर्स नहीं है। और दूसरी बात, मैं इतना ही जानता था कि मैं जो बोल रहा हूँ मेरे हृदय से मैं सच कह रहा हूँ,
उतना मुझे मालूम था कि मैं किसी को चोट पहुंचाने के लिए फिल्म नहीं बना रहा, और जिनको चोट पहुंचनी थी पाकिस्तानी आर्मी को भले पहुंचे, बाकी किसी को मैंने दर्द देने की कोशिश नहीं की। और वो मेरा कॉन्शियंस बहुत ही क्लियर था, मेरा दिल एकदम साफ था इस मामले में। तो मैंने उस जगह का सोचना बंद कर दिया और मैंने कहा मैं इससे बनाऊंगा, और मैं भी फ्रंट बेंचर ही रहा, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं फ्रंट बेंचर में उनके साथ ही बैठ के फिल्में देखता था, और मुझे एक लगता था कि यहाँ पे ये होनी चाहिए, और मैं शायद वो असर रहा हो, लेकिन मैंने ये सब बातें सोची नहीं। मैंने कहा ये कहानी में ग्रिप हो, और मुझे जो फिल्में पसंद आती थी मुझे लगा कि मैं इसका उदाहरण लूँ या वो फिल्म की एग्जाम्पल लूँ, क्योंकि हर वक्त जो है एक मूवमेंट के ऊपर, एक ऐतिहासिक मोमेंट होता है, एक वक्त होता है जिस पर एक कहानी निर्भर है, वो मेरे फिल्म में नहीं था ये, क्योंकि ऐसे ऐतिहासिक माहौल पहले कभी बनी नहीं। तो मैंने कहा ये जो मैं कह रहा हूँ ये मैं तुलना नहीं कर सकता किसी और फिल्म के साथ, ना ही मैं उदाहरण ले सकता हूँ, तो इसमें जो मुझे कहना है मैं मुझे कहना है और मैं कहूँगा। और जैसे मीरा साहब ने एक वक्त जो फिल्म के रिलीज के बाद कहा कि एक बुद्धिमान आदमी जो है एक बुद्धिमान व्यक्ति के साथ बात कर सकता है, तुमने एक आम आदमी को भी ये बात समझाई, तो मैं अपने आप को कभी बुद्धिमान नहीं समझा, मैं हमेशा समझा मैं आम आदमी हूँ, अगर मेरे समझ में ये बात आ जाती है तो आम आदमी को समझ में आ जाएगी, मैं इतना ही समझा। आपको कैसा लगता है कि सरफरोश क्यों बनने के इतने वर्ष होने के बावजूद आज भी आज के जो दर्शक हैं, नए दर्शक हैं, वो भी फिल्म को उतना ही पसंद कर रहे हैं? दरअसल ये तो एक नई पीढ़ी है जो इस फिल्म के साथ जवान हुई है, आपको क्या लगता है? जब कोई जवान जो है 20-22 साल का आके मुझे बोलता है कि मैंने सरफरोश देखी और मुझे बहुत मज़ा आया, तो सच में मुझे गर्व होता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं कभी सोचा नहीं कि ये जनरेशन इस फिल्म को एक्सेप्ट करेगी, लेकिन इसके पीछे कोई बड़ी राज नहीं है, स्थिति वैसे की वैसी है, जो स्थिति 20 साल पहले थी आज भी वही है, पाकिस्तान वही कर रही है जो 20 साल पहले करती, उनका और कुछ आता नहीं है और ये करते रहेंगे जब तक हिंदुस्तान, अभी पहली बार हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक जवाब दी है, वो थोड़ा बहुत समझ गए कि अभी ये हरकत करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन वो बदलने वाले नहीं हैं और स्थिति वैसे के वैसे ही है, इसलिए लोग उसके साथ आज भी जुड़े हुए हैं, आज भी देखते हैं तो उनको वही बात समझ में आती है जो 20 साल पहले थी, तो इसमें और कोई बात नहीं है क्योंकि स्थिति वैसी है। हालांकि किसी भी क्रिएटिव व्यक्ति के लिए अपनी कृति से संतुष्ट हो पाना बहुत आसान नहीं होता, परंतु सरफरोश को लेकर क्या आप सेटिस्फाइड हैं? देखो, मैंने सेटिस्फैक्शन के लिए फिल्म नहीं बनाई, मुझे लगा ये वक्त है ये बात कहने की और मैंने कही, और मैं बहुत खुश हूँ कि इस बात को लोगों ने स्वीकार की, इससे बड़ी मतलब आनंद किसी को नहीं मिल सकता है कि आप जो कहना चाहते हैं वो पहले किसी ने कही नहीं, और आप जब कह रहे हैं उस लोग को लोगों ने उसको स्वीकार किया और आज भी स्वीकार कर रहे हैं, इस पे मुझे बड़ा गर्व है और आनंद है। दोस्तों, आज भी देश में, पड़ोसी देश में जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं वो सरफरोश के निर्माण के समय की परिस्थितियों से बिल्कुल अलग नहीं है। आज भी अगर ये फिल्म पसंद की जाती है तो कहीं ना कहीं आज के दर्शक वर्ग को भी लगता है ये फिल्म प्रासंगिक। तो दोस्तों, फ्लैशबैक में बस आज इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई फिल्म के साथ, किसी नए निर्देशक के साथ। Oh, 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 oh